बहुत धन्यवाद. आज अमरावती के इस ऐतिहासिक नगर में प्रथम राष्ट्रीय महिला सांसद में गरिमामयी उपस्थिति दे रहे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य आज के अध्यक्ष माननीय स्पीकर डॉक्टर कोडेला सदाशिव राव, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य श्री चक्रपाणी जी, दिल्ली असेंबली के स्पीकर साहब, सम्मानित मंच, श्री कराड़ साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, देश के कर्णधार आन बान शान छात्राओं, छायाकार व पत्रकार बंधुओं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आंध्र प्रदेश में श्री चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश, डॉक्टर कोडेला साहब, कराड़ साहब के प्रयत्न से आज इस ज्वलंत टॉपिक के ऊपर वीमेन एम्पावरिंग फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक ज्वलंत मुद्दा है देश का कि जब तक देश की आधी आबादी को साथ लेकर नहीं चला जा सकता, जब तक वीमेन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में नहीं लिया जाता, तब तक देश पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता. स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि दैट नेशन एंड दैट कंट्री दैट डोंट रेस्पेक्ट वीमेन हैव नेवर बिकम ग्रेट नॉर एवर बीन ए फ्यूचर. मैं बधाई देना चाहूंगी हरियाणा वासियों की तरफ से कि आपने इस तरह का सार्थक पहल की जिसके सुखद परिणाम आगे भविष्य में आएंगे. मैं कहना चाहूंगी कि वीमेन के ऊपर जैसे बहन अलका बता रही थी बहुत सी बातें हो चुकी हैं, उसके सामने सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, स्टेटस ऑफ वीमेन के बारे में भी काफी बात हुई है. भारतीय संविधान ने उसे बराबरी का हक दिया है. देयर इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ. स्पेशल प्रोविजंस भी दिए गए हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन. लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी भारतीय वीमेन को सीज टॉर्चर्ड, ऑप्रेस्ड फिजिकली, सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड सेक्सुअली. उसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जाता. अगर पार्टिसिपेट करने दिया जाता है तो वो भी बड़ा लिमिटेड है. आज हालात सुधारने की जरूरत है. आज ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेज के ऊपर हैं. हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीने जाते हैं. मैं बधाई देना चाहूंगी नायडू साहब को कि आपने ऐसा डिसिजिव स्टेप लिया है. मैं बहनों से कहना चाहूंगी तुम अबला नहीं सबला हो, तुम आदि हो, आदि शक्ति हो, ब्रह्म विद्या हो. तुम्हारे पास अथाह शक्ति है, इतनी शक्ति है
जिसको पुरुष वर्ग पुरुष के कंधे भी वहन नहीं कर पाए हैं, इसलिए अपने आप को पहचानने की जरूरत है। स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में भी हम नाम सुनते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का, पंडित विजय लक्ष्मी का, सुचेता कृपलानी का, सरोजनी नायडू का, वो भी बहने थी, हमारे जैसे बहने थी। उन्होंने भी दृढ़ निश्चय किया, गोल लिया सामने, मेहनत की और अपने पुरुष भाइयों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य किया। इसलिए अपने रोल को आप पहचानने की कोशिश करें। मेरे से पूरा वक्ता बता रही थी, आज हमारे सामने आज के भी रोल मॉडल हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी सानिया मिर्जा का, मैं नाम लेना चाहूंगी साइना नेहवाल का, कर्णम मल्लेश्वरी का, हरियाणा से आई हुई फोगाट बहनों का, साक्षी मलिक का, दीपा मलिक का, सुषमा स्वराज का, यहां बैठी हुई हमारे सारे रोल मॉडल्स का, जिन्होंने मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है, जिनके रास्ते में बहुत से मुसीबतें आई हैं, लेकिन मुसीबतों को ध्यान में करते हुए मेहनत की है और आगे बढ़ी है। आज जब मैंने कहा कि आज भी विमेन ओप्रेस्ड है, टॉर्चर्ड है, उसके सामने ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं एजुकेशन की। आज भी 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, उनके सामने ऑब्स्टेकल है दहेज प्रथा की, उनके सामने ऑब्स्टेकल्स है भ्रूण हत्या की, इन्फेंटिसाइड की, कुपोषण की, जिसको दूर करना है। मैं आगाज करना चाहूंगी मेरे सामने बैठी हुई इन छात्राओं से कि आप सोशल चेंज के एजेंट हो, आप पूर्ण रूप से सोशल चेंज ला सकती हो। जिन्होंने भी आगे बढ़ने का कार्य किया है, हिम्मत उसे दिखानी पड़ती है, लक्ष्य सामने रखना पड़ता है, पॉजिटिव सोच बनानी पड़ती है और धैर्य रखना पड़ता है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है, पराक्रम करना पड़ता है। ये 6 सद्गुण हैं जिन्हें कोई भी महिला धारण कर अपना रोल हीरो बन सकती है और ये आप में क्वालिटी है। अब स्टेज भी आ गई है कि आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगी कि आप हिम्मत करो, कभी भी हार मत मानो। सफलता और असफलता एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जो हिम्मत करता है, कहा भी गया है हिम्मते मर्दे मर्दे खुदा, जो आदमी हिम्मत करता है उसके पास भगवान रहते हैं, प्रकृति भी उसका साथ देती है, भगवान भी उसका साथ देती है। अपने हौसलों को बुलंद रखो, कभी भी असफलता से हार मत मानो। इम्पॉसिबल इज द वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। अपने हौसले बुलंद रखने हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, जिनके संकल्पों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले बनाकर रखो, आप जरूर, जो आज हम ये कह रहे हैं कि विमेन टॉर्चर्ड है, ओप्रेस है, आप समता की तरफ बढ़ोगे, आप इस संसार को सुंदर बनाओगे। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद भगवान को झुकना पड़ता है। आप तो जैसे कि बता रहे थे, जैसे कि हमारे उत्तर वैदिक काल में था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप में तो अथा शक्ति है। आप जिस दिन ठान लिया, जिस दिन आपने सोच लिया कि इस असमता को दूर करना है, अब स्टेज आ गई है, तो मैं मेरी बहनों को आगाह करना चाहूंगी कि आप उठो, जगो, संकल्प लो और कभी किसी से हार मत मानो। अगर आपके में कोई असफलता आती है, अपनी वीकनेस को भी पहचानो, दूसरों से मोटिवेटेड हो और मोटिवेशन लेकर अगर कहीं से पा सकते हो तो केवल परिश्रम का सानी, संघर्ष का सानी केवल परिश्रम है, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं मेरा उदाहरण देना चाहूंगी। मेरे फादर प्राइमरी टीचर हैं, हम 3 बहनें, आज मैं आपके सामने हूं। मेरी छोटी बहन IAS ऑफिसर है,
उससे छोटी लेक्चरर है, हमने भी संघर्ष के बलबूते से इस मुकाम को पाया है और आप में तो ऊर्जा है, शक्ति है और हमारे गवर्नमेंट साथ दे रही है। मैं बताना चाहूंगी हरियाणा प्रदेश में दो साल पहले सेक्स रेशियो 848/1000 था। नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे पानीपत के मैदान से आगाज किया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हरियाणा में भारी है। आज के दिन 902/1000 है। ये केवल सार्थक पहल से संभव है, हमें सार्थक पहल करनी पड़ेगी। और जैसे कि अलका जी कह रही थी कि 33% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन म्युनिसिपैलिटीज में, जिला परिषद में, पंचायत में आ गई, हमने तो शिक्षित पंचायत हरियाणा में की है कि जो भी शिक्षित हैं वो ही चुनाव लड़ सकता है। आगे भी आपके उत्साह रहा, आप में ताकत रही तो 33% क्या, आप तो 50% लेने के काबिल हो। आप उठो, जगो, अपने आप को पहचानो, आप हीरो हो और इसको आपको देश को मजबूत बनाना, देश को आगे चलाना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नायडू साहब का, कराड़ साहब का, चक्करपाणी जी का और हमारी बैठी हुई सारे ऑर्गेनाइजिंग टीम का और सारे जो आगंतुक का, जो आपने विचार आदान प्रदान किए हैं, चिंतन और मंथन हुआ है, यही सार्थक विचार देश के प्रजातंत्र को मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।